दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित AICC कार्यालय में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, जिसमें बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 9 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। वहीं रविवार को CEC की बैठक के बाद प्रत्याशी के नाम पर अंतिम निर्णय लेकर नाम की घोषणा की जाएगी। इधर भागलपुर में महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी के नाम पर फिलहाल कयासों का दौर जारी है, जिसमें भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेश जमाल और AICC सदस्य शह प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में है। बता दें कि परवेश जमाल मुस्लिम चेहरा होने के साथ पुराने कांग्रेसी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा भी दूसरे समुदाय में भी उनकी छवि बेहतर है। वहीं भूमिहार समाज से आने वाले अजीत शर्मा पिछले 3 टर्म से लगातार भागलपुर नगर से विधायक चुने जा रहे हैं, जबकि कुछ माह पूर्व तक अजीत शर्मा पार्टी की ओर से बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी रह चुके हैं। इधर OBC समाज से आने वाले AICC सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा भी लंबे समय से कांग्रेस की ओर से भागलपुर और बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं। वहीं बात अगर जातीय समीकरण पर की जाए तो जानकारी के अनुसार भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के वोटर 3 लाख से अधिक है, जबकि इसके बाद सबसे अधिक आबादी OBC समाज के कई जातियों की है। इसके अलावा भूमिहार समाज की आबादी 60,000 से अधिक बताई जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो शनिवार की बैठक में बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष KP राणा, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और जयवर्धन सिंह शामिल होंगे, जबकि रविवार को होने वाली CEC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा KC वेणुगोपाल, EL पूनिया और डॉक्टर जावेद समेत बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार विधानमंडल दल के नेता और बिहार प्रभारी के अलावा पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। बता दें कि रविवार को CEC की बैठक में के बाद औपचारिक रूप से बिहार समेत भागलपुर के लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि फिलहाल सभी दावेदार और उनके समर्थकों द्वारा अपने प्रत्याशी के पक्ष में कई तरह के दावे करने का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के टिकट कटने के बाद आखिरकार भागलपुर लोकसभा के सांसद और NDA प्रत्याशी अजय मंडल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी किस चेहरे को मैदान में उतारती है।